दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, टेक वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो SSC ने GD जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल्स की रिक्रूटमेंट करनी थी उसमें क्या बदलाव किया है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। SSC ने इसके लिए 25 जुलाई 2018 से आवेदन आमंत्रित किए थे जिनकी लास्ट डेट 24 अगस्त थी, लेकिन इतने सारे एप्लीकेशन आने के बाद उनकी साइट बिजी हो जाने से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया है जिसमें ये साफ किया गया है कि 20 दिनों के लिए टेम्परेरी सस्पेंशन किया गया है इस वेबसाइट पर। मतलब 28 जुलाई 2018 को रात 8 बजे से लेकर 16 अगस्त 2018 तक के लिए वेबसाइट बंद कर दी गई है। इस पर रजिस्ट्रेशन करना अभी बंद कर दिया गया है। इसमें SSC ने यह भी साफ किया है कि जिन एप्लीकेंट्स ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया है उनका रजिस्ट्रेशन सुरक्षित रखा जाएगा। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त 2018 से 10 बजे से स्टार्ट होंगे और 17 सितंबर 2018 को 5 बजे तक लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे तैयारी अपनी चालू रखिए। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए क्या क्या योग्यताएं और क्या क्या आवश्यकताएं इसमें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं भर्ती प्रक्रिया में किस बेस पे पेपर होना है। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी दोस्तों, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और इसके बाद इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। तो इन स्टेज से मिलकर बना है ये एग्ज़ाम। आधिकारिक सूचना में परीक्षा की तारीख का दोस्तों अभी उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे बाद में एक अलग से अधिसूचना जारी कर निकाली जानी है। इस भर्ती परीक्षा में BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SSF में कॉन्स्टेबल, असम राइफल्स में राइफलमैन, इन सभी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों, अभी आधिकारिक अधिसूचना में परीक्षा की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ये फॉर्म अभी ज़्यादा एप्लीकेशन आने की वजह से 20 दिन के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। तो ये दोस्तों सितंबर में होने के चांस तो नहीं दिखते हैं, सितंबर तक, 17 सितंबर तक तो इसके फॉर्म ही भराएंगे। तो ये परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जा सकती है। इसमें कुल 54,953 रिक्तियाँ बताई गई हैं जिन्हें SSC GD 2018 परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी क्योंकि इतने सारे एप्लीकेट्स होने के बाद ये परीक्षा ऑनलाइन ही आधारित की जाएगी। इस परीक्षा में आपके 100 अंक होंगे। उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा और परीक्षा में 4 खंड होंगे। पहला जनरल नॉलेज GK, दूसरा तर्क रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी या हिंदी, जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 25 मार्क्स की होगी और इंग्लिश हिंदी में ऑप्शनल रहेगा, ये भी 25 मार्क्स। इस पर टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में आपको करने होंगे। और इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ही आयोजित की जाएगी। इसके लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण, देखिए इसमें क्या निर्धारित किया गया है, CBE में प्रदर्शन के आधार पर, जैसे ही आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ उसके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को आयोग द्वारा PET, PhD के लिए चयन किया जाएगा। PET के लिए जनरल कैंडिडेट्स, सॉरी मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होना है, देखिए मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट में तथा फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर हाफ एंड हाफ 0.5 मिनट में दौड़ने होंगे। इसके लिए शारीरिक मानक परीक्षण क्या तय किया गया है, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 और फीमेल के लिए 157, ST के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 निर्धारित की गई है। चेस्ट एक्सपांसन जनरल SC OB के OBC के लिए 80/5 और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। चेस्ट एक्सपांसन ST के लिए 76/5, नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। शारीरिक मानक परीक्षण PhD के लिए मानदंड, चिकित्सा परीक्षा, अभ्यर्थियों को PET, PhD अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित अनुसार उनके शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए CAPF द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जाँच की जाएगी। उसके लिए आई विजन क्या होना चाहिए, न्यूनतम दूरदर्शी दृष्टि 2 आँखों में सुधार के बिना 6/6 और 6/9 होना चाहिए, यानी चश्मा पहने बिना। उम्मीदवारों को आँखों में घुटने, फ्लैट पैर, वेरिकाज नस या स्क्विंट नहीं होना चाहिए और उनके पास रंगीन दृष्टि होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए दोस्तों केवल 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
इसका मतलब जिनकी आयु एक जिनका जन्म 1/1/1995 और 1/1/2000 के बीच हुआ है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2018 के संदर्भ में आयु की गणना की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है, उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष पारित किया होगा। आइए आवेदन शुल्क में नज़र डालते हैं। अभ्यर्थियों को महिला SC ST या पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है और इसकी 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है। आवेदन जमा करने की तारीख 24 अगस्त तक निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ा दिया गया है। अब ये फॉर्म 27 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों SBI चालान, SBI नेट बैंकिंग या किसी भी बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। उम्मीदवार जो SBI के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं 28/8/2018 तक बैंक के कामकाजी घंटों के भीतर SBI की नामित शाखाओं को भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों इसकी भी डेट चेंज हो गई है। इसका पहले पेज में मैंने जो अभी अभी करेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया है कि कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे और उसकी SBI के चालान की भी डेट क्या होगी वो मैंने पहले ही बता दिया है। बस दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपके 0.25 मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग भी की जा रही है। तो दोस्तों इसमें अभी 20 दिन की समय दिया गया है, 20 दिन के बाद ये फॉर्म फिर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इस वीडियो को आगे के अपडेट्स पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।